हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी। ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। एंड आज लाइव जाने का कोशिश कर रहा था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस मैं लाइव आ नहीं पाया। उसके लिए खैर है, बट आप लोगों का लेक्चर वीडियो में बना के दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग 15 नंबर सोल्यूशन कर लिए थे, वॉल्यूम 1, बीएल थेरेसा वॉल्यूम 1 का ट्यूटोरियल नंबर कितना चल रहा है अपना? ये था 1.3, ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स 1.3 का। ये कौन सा करेंगे आज? प्रॉब्लम नंबर 16। ठीक है, तो एक बार खुद से ट्राई करना वीडियो को पॉज करके और फिर सॉल्यूशन को देखो। तो खुद से ट्राई कर ले, अभी हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वोल्टेज, फाइंड द वोल्टेज ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी। पॉइंट बी के रेस्पेक्ट पे पॉइंट ए का वोल्टेज कितना है वो अपने को निकालना है। और सेकंड पार्ट इज इट पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू बी। तो बी के हिसाब से यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है क्या वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो अपने को बताना है। चलो तो देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अगर हम अच्छे से इस सर्किट को देखें तो यहाँ पे जो लूप, दो लूप बना हुआ है, एक लूप ये वाला, एक लूप ये वाला। अब लूप 1 जो है इसका जो करंट होगा 10 वोल्ट बैटरी से जो करंट जा रहा है, ये करंट इस साइड नहीं आ सकता है बिकॉज देयर इज नो रिटर्न पाथ। तो रिटर्न पाथ नहीं है, इसका मतलब ये आइसोलेटेड टाइप बिहेव कर रहा है। अब करंट कितना पास करेगा इसमें? फिर इसमें करंट देखो, यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी है और 5 ओम एंड 3 ओम, क्योंकि सेम करंट पास कर रहा है तो ये दोनों सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस इस बैटरी को दिखेगा वो होगा 5 प्लस 3, मतलब 8 ओम। तो 10 वोल्ट वोल्टेज एंड 8 ओम का रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा करंट? करंट हो जाएगा 10 वोल्ट और 8 ओम का रेजिस्टेंस, तो 10/8, इसका मतलब हो गया 10/8 मतलब 1.25 एम्पियर। तो यहाँ पे मेरे को मिला 1.25 एम्पियर का करंट। नाउ इफ 1.25 एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस 3 ओम रजिस्टर, दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है भाई? आई इंटू आर हो रहा है। आई है 1.525 एंड 3 ओम का रजिस्टर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3.75 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा। हमको निकालना है ए का पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो मैंने ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दिया, यहाँ से चलेंगे तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप मेरे को पता है या फिर वोल्टेज पता है मुझको। डी पॉइंट पे आ गए, फिर डी से बी पॉइंट, यहाँ पे देखो 3 ओम का रेजिस्टर है और ये 5 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ये करंट भी इधर नहीं जा सकता है क्योंकि क्लोज पाथ नहीं है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 3 ओम पे, 3 ओम पे ड्रॉप होगा 15 वोल्ट, 3 × 5 15 वोल्ट, है ना। अब हम केवीएल लिख सकते हैं। मैंने पकड़ लिया ए जो नोड है वो पॉजिटिव में है और बी नोड जो है वो निगेटिव में है। करंट मैंने पकड़ लिया इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, ये हमने एजम्पशन कर लिया करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लो। तो अगर करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है ना, ऐसे अगर फ्लो कर रहा है करंट, तो साइन लगाते हैं। साइन क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे साइन लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये बैटरी है और यहाँ पे साइन दिया हुआ है। फिर ये वाला जो करंट है वो कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो लूप में करंट कैसे कैसे फ्लो कर रहा है? ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे।
एम आई क्लियर? दिस करंट इज गोइंग, तो प्लस। अब हम केवीएल लिखते हैं। केवीएल लिखते टाइम, इक्वेशन लिखते टाइम क्या करेंगे, सबसे पहले जो साइन आएगा उसी साइन को पकड़ लेंगे प्लस। यहाँ पे प्लस कितना वोल्ट है? 3.75 है, 3.75। उसके बाद आए ऐसे और यहाँ पे फिर से मिला मुझको प्लस, कितना वोल्ट है? 8 वोल्ट। फिर ऐसे गए इस पॉइंट पे आए, यहाँ पे फिर से क्या मिला मुझको? माइनस, माइनस कितना वोल्ट है? 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट। फिर आ गए हम लोग बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या है? माइनस है, तो माइनस। और बी से ए तक मैंने बोल दिया कि वी ए बी है, ठीक है, ये तो पता नहीं है, इसी को तो निकालना है, वी ए बी। तो यहाँ पे माइनस मिला तो माइनस माइनस दे दिया, इज इक्वल टू 0 होगा। अब करो कितना हो जाएगा, 15 माइनस 8 मतलब 7, और -7 है ना, तो -7 से 3.75 जाएगा तो 4, 4 से 4 कितना होगा? 3.25, 3.25 माइनस, सॉरी -3.25 माइनस बी ए बी इज इक्वल टू, इसका मतलब बी ए बी इज इक्वल टू, बी ए बी इज इक्वल टू -3. सो बी ए बी कितना निकला? -3.25 निकल गया। तो हमने पकड़ा था ए नोड पॉजिटिव पे, बी नोड निगेटिव पे, और रिजल्ट क्या आया? निगेटिव आया। इसका मतलब क्या होगा? ये रिवर्स पोलारिटी में होगा, मतलब ए इज इन लोअर पोटेंशियल, इन निगेटिव पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो बी जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, ए जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है। यहाँ से चलो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे तो किताब में कैसे किया है, यहाँ पे कुछ अलग ढंग से किया है। देखो वी ए किताब में क्या किया है वो भी देख लेते हैं। वी ए इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ये हमने पकड़ लिया यहाँ पे, वी ए 0 वोल्ट पे। एंड वी सी -1.25, येरा वी सी यहाँ पे, सॉरी -1.25, ये 1.25 का अपने को निकला था करंट, तो -1.25 इंटू 3, ये यहाँ का पोटेंशियल है। क्योंकि क्यों यहाँ पे माइनस लगाया था, क्यों लगाया माइनस? हमने ए नोड को 0 पकड़ लिया, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है 1.25 का, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर ए नोड 0 पे है तो उससे लोअर पोटेंशियल मतलब निगेटिव में जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन दे दिया, तो -1.25 कर दिया है ना, 1.25 इंटू 3, तो -3.75 पे आया बी सी, -3.75 पे आया बी सी। फिर डी नोड, ये रहा मेरा डी नोड, डी नोड कितना होगा इस वो यहाँ का वोल्टेज, तो वी डी जो भी होगा, वी डी -3.75 विल बी इक्वल टू योर 8 वोल्ट, होगा कि नहीं होगा, है ना। सो वी डी माइनस वी सी इज इक्वल टू 8 वोल्ट। एम आई क्लियर? इसका मतलब वी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाए होगा, ये इस तरफ प्लस साइन है, हायर पोटेंशियल है, तो वी सी माइनस वी डी विल बी इक्वल टू 8। इसका मतलब वी डी विल बी इक्वल टू वी सी -8। अब वी सी का वैल्यू कितना है? वी सी का वैल्यू है -3.7, तो -3.75 -8 इज इक्वल टू योर वी डी। सो ये कितना आता है? -8, 8, 9, 10, 11, -11.75 वोल्ट, -11.7। फिर इन्होंने निकाला वी बी, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी विल बी इक्वल टू वी डी
दिस पोटेंशियल प्लस 15 वोल्ट। यहाँ पे कुछ एक पोटेंशियल है ऑलरेडी, क्या है यहाँ पे कुछ एक पोटेंशियल है वी डी पे, और यहाँ पे फिर 15 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल, सोचो सोचो, दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल, या फिर आप बोल सकते हो कि वी बी, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये हायर पोटेंशियल है, तो वी बी माइनस वी डी वुड बी इक्वल टू 15 वोल्ट। यहाँ पे 15 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, सो वी बी जो होगा वो कितना होगा? 15 प्लस ऑफ वी डी होगा, है कि नहीं? अब वी डी कितना है भाई? -11.75 है और ये 15 वोल्ट है, तो सेम हमने जैसे किया वही निकला है, +3.25 निकल गया है वी बी। ये कितना निकला? +3.25। अब हमने इसको 0 लिया था और ये +3.25 निकल गया, मतलब हमको क्या दिख रहा है कि वी ए का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा? -3.25 वोल्ट होगा, है ना? विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी अगर मैं 0 पकड़ लू, ये तो +3.25 पे है, इसको अगर मैं 0 पकड़ लेता तो ये कितना पे आएगा? ये -3.25 पे आएगा। एम आई क्लियर? यहाँ पे हमारा भी सेम आया, ए नोट का पोटेंशियल बी नोट के मुकाबले -3.25 पे है, मतलब ए इज एट लोअर पोटेंशियल। ओके एवरीवन, इसका अगर कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से समझ गए तो काफी आसानी हो जाएगी आपको बाकी न्यूमेरिकल्स वगैरह करने में, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या आता है? ये तो हो गया, ट्यूटोरियल खत्म हो गया। अब 1.17, यहाँ पे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स में हम देख सकते हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, डिपोजिटेड कार्बन, हाई वोल्टेज इंक फिल्म, मेटल फिल्म रजिस्टर, कम, तीन चार टाइप के रजिस्टर मेंशन किया हुआ है ना। यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ रजिस्टर में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड बाइंडिंग रेजिन्स विद डिफरेंट प्रोपोर्शन फॉर प्रोवाइडिंग डिजायर्ड रेजिस्टेंस। तो कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टर जो हम बनाते हैं उसमें क्या होता है कि कार्बन के साथ हम लोग कुछ दूसरा मटेरियल मिक्स करते हैं, करके अपना रेजिस्टेंस फिक्स कर लेते हैं। अटैच टू दिस द एंड ऑफ द रेजिस्टिव मटेरियल मेटल्स एलिमेंट आर मेटल कैप्स। तो यहाँ पे आपने देखा होगा रेजिस्टर जो होता है उसके दोनों साइड पे ऐसे मेटल कैप निकाला होता, लगाया हुआ होता है, और उससे इस टाइप का एक्चुअल पिन लीड्स निकला हुआ होता है, कॉपर का वायर लगा होता है फॉर सोल्डरिंग पर्पस, है ना? द रजिस्टर इज एनक्लोज्ड इन ए प्लास्टिक केस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉइस्चर। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो अंदर में होगा और उसके बाहर में क्या होता है? एक प्लास्टिक का केसिंग हम लगा देते हैं। बिलियंस ऑफ कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एवरी ईयर। दे आर अवेलेबल इन पावर रेटिंग्स ऑफ 1.8, 1.4, 1.2, 1 और 2 W। सो पावर रेटिंग अगर हम रेजिस्टेंस का देखें कार्बन कंपोजिशन का, तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर 1.8 टू 2 W, एंड वोल्टेज रेंज अगर देखें तो 250 वोल्ट, 350 वोल्ट, 500 वोल्ट, इस टाइप से हमको मिलते हैं, अवेलेबल है मार्केट पे। दे हैव लो फेलर रेट्स व्हेन प्रॉपरली यूज। तो फेलर रेट लो है, अच्छा डिजाइन होता है, लेकिन वोल्टेज और करंट जो है वो लिमिट पे रहना पड़ेगा, उसके रेंज पे रहना पड़ेगा। सच रेजिस्टर्स हैव अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक नॉइस ड्यू टू करंट पासिंग फ्रॉम वन कार्बन पार्टिकल टू अनदर कार्बन पार्टिकल। तो यहाँ पे कुछ नॉइस क्रिएट होते हैं। दिस नॉइस अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ए हिस इन ए लाउड स्पीकर कनेक्टेड टू ए हाई वेज सिस्टम।
एंड कैन ओवरकम वेरी वीक सिग्नल्स। तो आप देखोगे जब हमने लाउड स्पीकर वगैरह लगाता है, स्पीकर लगाते हैं तो साउंड आता है, वो साउंड किस लिए आ रहा है, ये दिस रेजिस्टेंस के वजह से, वहां पे दिस रेजिस्टेंस क्रिएट सम नॉइज उसके वजह से। दैट्स व्हाई कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स आर यूज्ड व्हेयर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स आर नॉट डिमांडिंग एंड व्हेयर लो कॉस्ट इन द मेन इज द मेन कंसिडरेशन। तो जहां पे पैसा बचाना होना उस जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, कार्बन रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर यूज करेंगे, क्योंकि ये हिस साउंड प्रोड्यूस करता है और जहाँ पे परफॉर्मेंस उतना मैटर नहीं करता है उस जगह पे हम लोग कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज योर डिपोजिटेड कार्बन। डिपोजिटेड कार्बन रजिस्टर कॉन्सिस्ट ऑफ सिरामिक रॉड्स व्हिच हैव ए कार्बन फिल्म डिपोजिटेड ऑन देम। तो दे आर मेड बाई प्लेसिंग ए सिरामिक रॉड इन मिथेन फील्ड फ्लस्क एंड हीटिंग ए इट अंटिल बाई ए गैस क्रैकिंग प्रोसेस ए कार्बन फिल्म इज डिपोजिटेड ऑन देम। ए हेलिक्स ग्राइंडिंग प्रोसेस फॉर्म्स द रेजिस्टिव पार्ट एज कंपेयर टू द कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। दीज रजिस्टर्स ऑफर ए मेजर इम्प्रूवमेंट इन लोअर करेंट नॉइस एंड इन क्लोजर टॉलरेंस। दीज रजिस्टेंसेस आर बींग रिप्लेस बाई मेटल फिल्म एंड मेटल गेज रजिस्टर्स। तो डिपोजिटेड कार्बन रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर से अच्छा होता है, लोग एक बार देख लेते हैं पटक करके, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। यू कैन सी हियर दिस इज द जो हम लोग सर्किट में हम लोगों को मिलता है देखने को, कुछ कलर कोड रहता है, ये क्या है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, प्लास्टिक बॉडी के अंदर में आ रहा है ना, और कलर बैंड रहता है, कलर बैंड से हमको इसका क्या पता चलता है, रेटिंग पता चल जाता है ना, रेटिंग पता चलता है। चलो ठीक, और सेकेंड वन इज योर, सेकेंड वन इज योर डिपोजिटेड कार्बन रजिस्टर। व्हाट इज डिपोजिटेड कार्बन रजिस्टर, डिपोजिटेड कार्बन रजिस्टर देखते हैं कैसा दिखता है। डिपोजिटेड कार्बन रजिस्टर, सिर्फ बनाने का प्रोसेस अलग है, यहाँ पे कार्बन का फिल्म लगाया हुआ है, ठीक है। ये हेलिकल प्रोसेस फिल्म है, कार्बन फिल्म है, हेलिकल कार्बन फिल्म, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज हाई वोल्टेज इंक फिल्म। दिस रेजिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ सिरामिक बेस ऑन व्हिच स्पेशल रेजिस्टिव इंक इज लेड डाउन इन ए हेलिकल बैंड। दिस रेजिस्टर्स आर कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग हाई वोल्टेज एंड फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन कैथोड रे सर्किट्स इन रैडर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो द रेजिस्टेंसेस रेंजेस फ्रॉम 1 किलो ओम टू थाउजेंड्स ऑफ मेगा ओम विथ वोल्टेज रेंज अप टू 1000 KV। तो ये जो है हाई वोल्टेज इंक फिल्म रजिस्टर है, ये हाई वोल्टेज के लिए यूज हो रहा है,
मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रहा है ना। मेटल फिल्म रजिस्टर्स आर मेड बाय डिपोजिटिंग वेपोराइज्ड मेटल इन वैक्यूम ऑन ए सिरामिक कोर रॉड। द रजिस्टिव पाथ इज हेलिक्स ग्राउंड एज इन केस ऑफ डिपोजिटेड कार्बन रजिस्टर। मेटल फिल्म रजिस्टर्स हैव एक्सेलेंट टॉलरेंस, टेम्परेचर कोफिशियंट एंड आर एक्सट्रीमली रिलायबल। हेंस दे आर वेरी सुटेबल फॉर न्यूमरस हाई ग्रेड एप्लीकेशंस एज इन लो वोल्टेज स्टेजेस। सो मेटल फिल्म कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? हाई ग्रेड एप्लीकेशंस अगर है तो वहां पे मेटल फिल्म रजिस्टर यूज होता है, बट दीज आर कॉस्टलियर, दीज आर कॉस्टलियर। तो एक बार देख लेना कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं, क्या होता है ना। चलो हम क्या करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट है ना, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। न्यूमेरिकल करते हैं। सॉल्व करें, पहले सॉल्व से शुरू करते हैं। तो कहाँ गया? हाँ ये रहा। हाँ देखो इसको आप लोगों का काम है कि वीडियो को पोस्ट करना है और फिर खुद से इसको सॉल्व करना है। सर्किट को बना लो। देखो तो ये वाला सर्किट है, क्या बोल रहा है। ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 15 ओम ईच। ये 15 ओम 15 ओम ईच, दिस इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज 10 ओम 15 ओम ईच अरेंज इन पैरेलल। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी शंटेड अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन सो दैट द टोटल करंट टेकन शेल बी 1.5 एम्पियर विद 20 वोल्ट अप्लाई। तो यहाँ पे 20 वोल्ट अगर हम लगाते हैं, देखो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि अगर तीन रेजिस्टेंस है आपके पास, एक कितना है 10 ओम का रेजिस्टर है, कितना है 10 ओम का रेजिस्टर है, और इस 10 ओम का रेजिस्टर जो है इसके साथ दो और रेजिस्टर है जिनको हमने पैरेलल लगा के रखा हुआ है, पैरेलल लगा कर 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद टू रेजिस्टेंसेस ईच हैविंग 15 ओम रेजिस्टेंस। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी शंटेड, शंट रेजिस्टेंस मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस, व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी शंटेड अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसके अक्रॉस पे ऐसा कितना रेजिस्टेंस लगा सकते हैं अपन सो दैट द करंट टेकन शेल बी 1.5। तो करंट जो निकलेगा यहाँ से, जो बैटरी करंट होगा, जो मेरा बैटरी का करंट होगा, कितना वोल्ट का बैटरी है, 20 वोल्ट का बैटरी है, दैट करंट मस्ट बी 1.5। तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना। तो बहुत ही आसान है, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपन को
हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 15 ओम पैरेलल 15 ओम, मतलब कितना हो जाएगा भाई, 7.5 ओम हो जाएगा, है ना। सो 15 पैरेलल 15 है, 7.5 ओम होगा। और हम और एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर 1.5 एम्पियर का करंट इस यहाँ पे आ रहा है ना, और ये वाला अगर 7.5 ओम हो जाता है, 15 पैरेलल 15 मतलब दिस रेजिस्टेंस विल बिकम कितना, 7.5 ओम, 15/2 होगा ना। ओके, अब 7.5 ओम का रेजिस्टर इज पैरेलल विद आर एंड करंट कमिंग टू दिस पॉइंट इज 1.5 एम्पियर, तो आर के थ्रू या फिर इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट पास हो रहा होगा, क्या वो तो नहीं पता होगा, है ना। यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये देख लेते हैं, वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा यहाँ पे, 1.5 एम्पियर का करंट है, 10 ओम का रजिस्टर है, सो आई इंटू आर मतलब 1.5 इंटू 10, तो 15 वोल्ट। अगर 15 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना वोल्टेज बच जाएगा, 15 वोल्ट तो यहाँ पे ड्रॉप हो गया, सो 5 वोल्ट होगा, है ना। V1 प्लस V2 मिलके ही तो 20 वोल्ट होना है, तो यहाँ पे होगा 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट यहाँ पे है और 7.5 ओम का रेजिस्टर है, तो इस ब्रांच से कितना करंट पास कर रहा होगा, I इज इक्वल टू V/R, वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, R कितना है 7.5 ओम, तो कितना आएगा 5/7.5, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 5/7.5 मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ 50/75, 50/75 मतलब 25 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, सो 2/3 एम्पियर। तो 2/3 एम्पियर करंट इस साइड से जा रहा है, तो वो आर से कितना करंट जा रहा है भाई, आई आर इज इक्वल टू 1.5 माइनस 2/3, और 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब होता है 0.66 या फिर 67, तो 1.5 से 6.66 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो बचता है कितना, 0.84। अब 0.84 एम्पियर करंट आर से जा रहा है, और आर के अक्रॉस पे वोल्टेज कितना होगा, जितना यहाँ पे वोल्टेज है ना, तो 5 वोल्ट होगा, तो 5 वोल्ट वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, वोल्टेज कितना है 5, करंट कितना है 0.84, तो 5/0.84 इज इक्वल टू 5.95, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 6 ओम। तो 6 ओम का रजिस्टर लगाना पड़ेगा अपने को, देखो 6 ओम, एम आई क्लियर। तो अगर ये सेशन आपको सही लग रहा है, आपका कमेंट मुझको चाहिए, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इसमें वो भी मैं करूँगा, जो जो आपका रिक्वायरमेंट है आप मुझको कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पे मैं रखता हूँ, बाकी जो एग्जाम्पल्स है आप लोग एक बार खुद से करना, नहीं होता है तो बताना मेरे को, और ये सारे एग्जाम्पल्स मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर लाइव में आना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बट वीडियोस बना बना के मैं एक एक एग्जांपल का आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा, ओके। बाकी लाइव का जो सेशन मैंने रखा हुआ है वो संडे मॉर्निंग 7:30 AM, एंड सैटरडे को भी 7:30 को है, बट सुबह सुबह क्या होता है कि कुछ स्कूल का दौड़ा दौड़ी रहता है, इसमें थोड़ा लेट हो जाता हूँ। एनीवेज आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कम एट 7:30 AM लाइव, नहीं हो पाता है मैं वीडियो बना के दे दूंगा, बट आपका लाइक कॉमेंट और शेयर ये बंद नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।